हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग के डैड आए थे और उन्होंने विंग को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था। सबको, वांग जी को छोड़कर सभी बहुत हैरान थे, परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी के गेस्ट को वांग जी एक्सप्लेन करना नहीं चाहता है क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। जितना उन्हें पता होना चाहिए उतना उन्हें पता चल गया है, बट अभी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताना है। इसलिए वांग जी सबकी तरफ देखता है। सब वांग जी को देख रहे थे बहुत ही क्यूरियस होके। वहाँ पर जियांग चैंग, जियांग यानली, निये हुएसांग, निये मिनजू, सॉन्ग लैन, अंकल कुरान, लैन शिचैन, वेन चिन, ये सभी थे। वांग जी ने एक एक करके सबको देखा और फिर वो कहने लगता है। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। लगभग 21 साल पहले वे चांग से अपनी वाइफ को लेकर चाइना आए थे। वो चाइनीज़ है बट उनका पूरा बिजनेस यूएस में है, तो वो भी यूएस में ही सेटल है। चाइना में वे चांग से का अपना कोई भी नहीं है, लेकिन कांगसे सरन उनका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। वी चांगसे की वाइफ, वो चाइना के टॉप पॉलिटिशियन की बेटी थी। वी चांगसे का बिजनेस उतना बड़ा नहीं था जितना आज है, जिस लेवल पर आज वो है उतना बड़ा बिजनेस वी चांगसे का तब नहीं था। छोटा सा बिजनेस था जिससे वो खुद को और अपनी वाइफ को एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं। ऐसा ही उनका बिजनेस था जिसे कांगसे सरन का फैमिली बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लेते थे। मतलब वो एक टॉप पॉलिटिशियन थे चाइना के, तो उनके पास बहुत सारे पैसे थे, वो रिच थे। कांगसे सरन जैसे ही वी चांगसे से अपना प्यार अपने फैमिली को बताते हैं कि वो वी चांगसे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके फैमिली ने एकदम मना कर दिया था। कांगसे सरन और वी चांगसे एक दूसरे से प्यार करते थे, उनका लव मैरिज हुआ था। कांगसे सरन को उनके फैमिली ने यूएस भेजा था पढ़ाई के लिए। वहीं पर वी चांगसे से वो मिली, पहले उनमें दोस्ती हुआ, फिर वी चांगसे और कांगसे सरन एक दूसरे से प्यार करने लगे, बे इंतहा प्यार। कांगसे सरन ने अपनी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन कांगसे सरन की फैमिली ने कांगसे सरन का प्यार रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है। उन्होंने कांगसे सरन का ज़बरदस्ती किसी और अल्फा के साथ शादी करवाने का भी कोशिश किया, जिसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ था। कांगसे सरन भाग आई और वो वी चांगसे से शादी कर लिया। फिर वो दोनों यूएस में ही सेटल हो गए। कांगसे सरन एक साल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये न्यूज़ उनके फैमिली को पता चला तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो खुश है। उन्होंने कांगसे सरन को बुलाया। कांगसे सरन जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान उनका तबीयत सही नहीं जाता था, इसलिए पहले पहले तो वी चांगसे ने रिस्क नहीं लिया। फिर जब 6 मंथ हो गया था तब जाके वी चांगसे ने कांगसे सरन को चाइना ले आने के बारे में सोचा और वो ले आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चाइना आना उनकी ज़िंदगी का सबसे घटिया डिसीजन होगा, सबसे भयानक डिसीजन होगा। कांगसे सरन के फैमिली पहले तो बहुत ही खुश होके वी चांगसे और कांगसे सरन को वेलकम करते हैं, देखभाल करते हैं। वी चांगसे को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनका कोई फैमिली नहीं है, तो कांगसे सरन का जो फैमिली है उसे उन्होंने अपना फैमिली एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो फैमिली नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे दिन बीतता गया। कांगसे सरन जब 9 मंथ की हुई तब जानबूझकर कांगसे सरन के सिस्टर कांगसे सरन को सीढ़ियों से धकेल देती है। कांगसे सरन को उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, वो दर्द में छटपटा रही थी। वी चांगसे को ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा दुनिया उजर गया है। वो कांगसे सरन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद कांगसे सरन को इमरजेंसी रूम में लिया गया, इमरजेंसी उनका सिजेरियन किया गया, लेकिन इसमें भी कांगसे सरन का फैमिली इन्वॉल्व हो गया। वो पॉलिटिशियंस थे बड़े, तो उनका पावर ज़्यादा था। उन्होंने हॉस्पिटल से बात करके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके वी चांगसे और कांगसे सरन के बच्चे को
उनसे अलग कर दिया। उसी हॉस्पिटल में तब मिस्टर लियांग की फर्स्ट वाइफ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर रो रही थी बहुत बुरी तरीके से। तब मिस्टर लियांग वहाँ पर नहीं थे। बिजनेस के सिलसिले में वो तब लगभग 6 महीने से घर से बाहर थे और उनका अफेयर भी तो चल रहा था, तो उन्हें अपनी वाइफ का कोई ध्यान ही नहीं था। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उन्हें क्या क्या ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का उनको कोई भी ध्यान नहीं था। उस वक्त मिस्टर लियान के फर्स्ट वाइफ के साथ उनका जो फादर है वही थे। वो अपने डॉटर को समझा रहे थे, बट क्या ही समझाते, कितना ही समझाते। कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए थोड़ी ना देख सकता है। इसलिए मिस्टर लियांग के फर्स्ट वाइफ बहुत ही ज़्यादा टूट पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा। उस वक्त मिस्टर लियांग के फर्स्ट वाइफ के जो डैड हैं, उन्होंने नर्स से और डॉक्टर से बात करके विंग को उनकी बेटी के हाथ में दिया था। कांगसेसरन की फैमिली ने विंग को मारने के लिए कह दिया था, वो नहीं चाहते थे कि विंग जिंदा रहे, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा था कि वो विंग को किसी ऑर्फनेज में दे देंगे, बट उससे पहले ही मिस्टर लियांग के फर्स्ट वाइफ का जो डैड है वो विंग को ले लेते हैं और विंग को लेकर मिस्टर लियांग के फर्स्ट वाइफ को दे देते हैं। उस वक्त एक माँ को अपना बच्चा खोकर भी अपना ममता लुटाने के लिए विंग मिला था, लेकिन दूसरी तरफ कांगसेसरन और वी चांगसे को उनके दुनिया का सबसे बड़ा दुख मिला था। उन्हें बताया गया था कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। कांगसेसरन को इतना बड़ा झटका लगा था कि कांगसेसरन उसी वक्त कोमा में चली गई थी और आज तक वो कोमा में ही है, वो बाहर नहीं आ पाई थी। और वी चांगसे एक जीता जागता लाश बन गए थे। कांगसेसरन की फैमिली का जो प्लान था ना, वो एकदम चौपट हो गया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांगसेसरन इस तरीके से रिएक्ट करेगी और कोमा में चली जाएगी, बट उनका प्लान चौपट हो गया। उनका प्लान ये था कि इस बच्चे को, मतलब विंग को मारकर वो कांगसेसरन को और वी चांगसे को अलग कर देंगे और फिर कांगसेसरन को अपने मुताबिक एक अल्फा से शादी करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी चांगसे का उस वक्त ज़्यादा पावर नहीं था, लेकिन कांगसेसरन कोमा में थी इसलिए कांगसेसरन के फैमिली ने कांगसेसरन को छोड़ दिया। मतलब उन्हें कांगसेसरन से जो चाहिए था अब वो नहीं मिलने वाला है, तो कांगसेसरन को इस कोमा में रहते हुए वो अपने पास नहीं रखना चाहते थे, इसलिए कांगसेसरन को उन्होंने वी चांगसे को दे दिया। वी चांगसे उस वक्त चुपचाप कांगसेसरन को लेकर वापस आ गए थे अमेरिका। पहले एक साल तो वी चांगसे डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को मजबूत किया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, अपना पावर बढ़ाया और फिर जाके उन्होंने फिर से इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि उनके दिल में शक था कि कुछ तो ऐसा है जो उनको पता नहीं है। उनको जब पता चला कि कांगसेसरन की फैमिली ने क्या किया, तो उन्होंने अपना जी जान और लगा दिया और कांगसेसरन की फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल बन गए। फिर उन्होंने कांगसेसरन की फैमिली को सजा दिया, साथ में अपने बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें विंग का पता नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि मिस्टर लियांग की जो वाइफ है ना, फर्स्ट वाइफ, उनके डैड ने विंग का नामो निशान मिटा दिया था। मतलब विंग उनकी बेटी के पास हमेशा रहे, इसका पूरा इंतज़ाम उन्होंने कर दिया था, लेकिन नसीब अच्छा नहीं था। उनकी बेटी, पहले तो वो खुद इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद उनकी बेटी भी विंग को छोड़कर चली गई, और मिस्टर लियांग कभी भी विंग को अपना मान ही नहीं पाए थे। हाँ, उनको ये बात नहीं पता था कि विंग उनका अपना खून नहीं है, उन्हें हमेशा से यही लगता था कि विंग उनका ही खून है, लेकिन विंग से उनको वो अटैचमेंट फील होता ही नहीं था, इसलिए ही तो विंग के लाइफ में इतना दुख था। मिस्टर वी अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने सालों तक विंग को ढूंढा था लेकिन विंग उन्हें नहीं मिला। ये बात वांग जी को पता चला था पहले, क्योंकि वांग जी ने विंग का DNA टेस्ट करवाया था, जो एकदम मिस्टर लियांग से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था। वांग जी को विंग के डैड कौन है या फिर विंग का ब्लड लाइन कौन सा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी वांग जी के दिल में पता नहीं क्यों उस वक्त ये ख्याल आया था कि उसे पता लगाना है कि विंग का डैड कौन है।
विंग का रियल आइडेंटिटी कौन है, क्योंकि वांग जी को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि विंग बिल्कुल भी लियांग फैमिली से नहीं है। वांग जी ने जी जान लगा दिया था, फिर जाके उसे इस सच का पता चला और उसने मिस्टर वी से कॉन्टैक्ट किया। मिस्टर वी और वांग जी ऑब्वियसली जाने दुश्मन हैं, हमेशा वो अलग अलग डील्स में मिलते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग था। जब मिस्टर वी को पता चला कि वांग जी किस बारे में उनसे बात करना चाहता है, तो मिस्टर वी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि कांग्से सरन के फैमिली के अलावा किसी और को पता ही नहीं था कि कांग्से सरन और वी चांगसे का कोई बच्चा भी हुआ था। मतलब उस टाइम वी चांगसे उतने अमीर नहीं थे, तो उनका आसपास कोई होता ही नहीं था, तो किसी को पता होना तो बहुत दूर की बात, अगर किसी को पता हो भी तो वो भूल चुका है अभी तक, क्योंकि वो बच्चा तो अब नहीं रहा ना। जो नहीं रहा हम उन्हें ज़्यादा देर तक याद नहीं करते, अपने कुछ दिनों तक याद रखते हैं, लेकिन प्रायः वो तो एक दो दिन में ही भूल जाते हैं। तो वही वी चांग से सोच रहे थे कि वांग जी को कैसे पता चला। फिर वांग जी ने विंग का और वी चांग से का डीएनए टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर वी चांग से शॉक्ड हो गए थे। फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। सारे लोग एकदम हैरान थे, खुश भी थे। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है जो तब मिस्टर वी के साथ बस चला आया था, वो अपने होश में नहीं था। मिस्टर वी उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, मिस्टर वी क्या करना चाहते हैं, ये सब विंग के दिमाग में था ही नहीं, वो बस मिस्टर वी के साथ हैरानी से चले जा रहा था। अभी तक मिस्टर वी ने भी सब कुछ बता दिया था विंग को, और विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से विंग के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। उनका इतना जेंटलनेस देखकर विंग हैरान था। मिस्टर वी विंग को ऐसे टच कर रहे थे जैसे अगर थोड़ा सा जोर से विंग के हाथों को या गालों को वो टच करेंगे तो विंग को दर्द होगा, और वो अपने बच्चे को बिल्कुल दर्द नहीं देना चाहते। जिसे सोचते ही विंग का दिल एकदम मरोड़ उठा था। उसे आज महसूस हुआ कि जब मिस्टर लियांग लियांग जिन और लियांग शन को प्यार करते थे, जब उन दोनों को कुछ होता था तो मिस्टर लियांग कितने ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे। विंग बस दूर से खड़ा रह के देखता था, उसने कभी भी ये महसूस किया ही नहीं जो आज उसे महसूस हो रहा था। मिस्टर लियांग के आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछने का कोशिश किया, लेकिन ये आंसू रुके नहीं रहे। कैसे रुकेगा, वो कैसे अपने आंसुओं को रोक सकते हैं। इन आंसुओं को आज वो चाहकर भी नहीं रोक पा रहे थे। विंग अब खुद नीचे बैठता है मिस्टर लियांग के सामने, अपने घुटनों पर, दोनों बाप बेटे घुटनों पर बैठे हुए थे। विंग अब आगे से मिस्टर लियांग के आंसुओं को पोंछता है और अपने शेकिंग वॉइस में पूछता है, क्या क्या मॉम। इससे ज़्यादा विंग कुछ नहीं कह पाया। मिस्टर लियांग अपने आंसुओं को अब और भी ज़्यादा बहा देते हैं। उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा और बोला, नहीं वो ठीक नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कैसे ठीक हो सकते हैं विंग। शादी कंप्लीट हो जाए फिर मैं तुम्हें और वांग जी को लेकर जाऊंगा, फिर देखना तुम्हारी मॉम एकदम उठ के बैठ जाएगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार करेगी। ये कहते हुए मिस्टर लियांग विंग के फोरहेड पर किस करते हैं, फिर वो धीरे धीरे विंग के पूरे फेस पर किस करते हैं। ये उनका बच्चा है, उनका बच्चा जिन्हें पैदा होते ही उनसे छीन लिया गया था, एक बार देखने भी नहीं दिया गया था। ये उनका वो बच्चा है जिन्हें लेकर कांग्से सरन के साथ भी चांगसे ने हजारों सपने बुने थे, लेकिन एक फैमिली के घमंड ने उन्हें अपने बच्चे से 20 साल दूर रखा। उन्हें अपनी वाइफ को 20 सालों तक कोमा में परे रहते हुए देखना पड़ा। एक फैमिली के घमंड ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। विंग को एक अच्छा लाइफ मिलता, विंग को अपनी मॉम और डैड का प्यार मिलता, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वी चांगसे ने भी विंग के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, कोई इंसान कैसे इतना घटिया हो सकता है। उन्होंने तो सोच लिया था कि मिस्टर लियांग को वो ज़मीन में गाड़ देंगे, लेकिन वांग जी ने उन्हें कहा कि मिस्टर लियांग का पनिशमेंट वांग जी ने ऑलरेडी मिस्टर लियांग को दे दिया है और उनके फैमिली को भी। खैर यहाँ से शेन शिफ्ट होके हमें शाम को दिखाया जाता है।
मैरिज सेरेमनी शुरू होने वाला है। सारे लोग अपने अपने में बिजी हैं। जियांग चंग और यान ली जो विंग को सरप्राइज देने वाले थे उसे रेडी कर रहे थे। निये होसांग विंग के साथ है क्योंकि सब एक साथ आ जाएंगे तो विंग के साथ कौन रहेगा। जियांग चंग और यान ली थोड़े अंधेरे वाले जगह पर कुछ वीडियो क्लिप्स को इकट्ठा कर रहे थे और हंस रहे थे। वहीं पर जिन जुशान एक अल्फा के साथ आया, दोनों ही एकदम टुल थे, मतलब ड्रिंक करके। वो अल्फा यूएस के एक बड़े बिजनेसमैन का बिगड़ा हुआ बेटा था जिसके साथ जिन जुशान कंधे से कंधा मिलाकर आ रहे थे। उन दोनों ने ही यान ली और जियांग चंग को देखा। जिन जुशान अपने गंदे नज़र को यानली से हटा नहीं पा रहे थे क्योंकि यानली सच में खूबसूरत दिख रही थी और ये तो उसकी होने वाली वाइफ है, तो जिन जुशान कुछ भी कर सकता है। ये सोच रखकर जिन जुशान आगे बढ़ गया। वल्फा जैक भी आगे बढ़ गया। जिन जुशान पीछे से यानली का कमर पकड़ लेता है जिसे महसूस करते ही यानली का पूरा शरीर एकदम घिन से भर जाता है। उसे पता नहीं कि किसने उसे टच किया लेकिन बहुत ही गंदा लगा उसे। यानली पीछे मुड़ती है और एकदम जोर से एक चांटा जिन जुशान के गाल पे मार देती है। ये इतना फास्ट हुआ था कि जियांग चंग को कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। जब समझ आया उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो अब जिन जुशान का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, जिन जुशान तुमने हिम्मत कैसे कर लिया। जिन जुशान एक तो ड्रंक था, ऊपर से यानली के चांटे ने उसे गुस्से में आग की तरह एकदम काम किया। जिन जुशान ने जियांग चंग का कॉलर पकड़ लिया और बोला, एक ओमेगा होके अल्फा से इस लहजे में बात कैसे कर रहा है तू। जिन जुशान का लहजा बहुत ही गंदा था। जियांग चंग जिन जुशान से अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यानली आगे आई और जिन जुशान से जियांग चंग को छुड़ाने की कोशिश किया। अब जिन जुशान ने जियांग चंग को धक्का दे दिया और जियांग चंग को जैक ने पकड़ लिया। जियांग चंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये दोनों अल्फा उन दोनों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जियांग चंग अपने पूरे ताकत से जैक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट ये दुनिया का दस्तूर है। गास अल्फा से बॉडी पावर में कमज़ोर है, इसलिए जियांग चंग जैसे तैसे जैक को खुद से अलग कर पा रहा था, लेकिन यानली वो तो बिल्कुल भी जिन जुशान से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे बहुत घिन आ रहा था, उसे ये सोचने में भी घिन आ रहा था कि इसके साथ उसका रिश्ता जुड़ा है। तभी कहीं से तो वेंचिंग आई। वेंचिंग ने पहले जिन जुशान को एक जोर का किक मारा जिससे जिन जुशान बहुत दूर जाके पड़ा था, और साथ में वेंचिंग के गार्ड्स थे, उन्होंने जैक को भी पकड़ लिया। वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंचिंग तो जा रही थी इस जिन जुशान को ठिकाने लगाने, लेकिन यानली ने उसे रोक दिया। वेंचिंग ने अपने गार्ड्स को जिन जुशान और जैक को पकड़ने के लिए कहा और उन्हें खींचते हुए मेन पार्टी हॉल की तरफ चला आया जहाँ पर अभी तक विंग नहीं आया था, बट वहाँ पर वांगजी था। सारे मेहमान एकदम हैरान हो गए थे जब जिन जुशान को और जैक को एकदम स्टेज के सामने लाकर धकेल दिया गया था और वो दोनों एकदम ज़मीन पर गिर गए थे। जिन फैमिली और एलेक्स का फैमिली जल्द से आगे आ गया और उन्होंने अपने अपने बच्चों को पकड़ लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेंचिंग जो कभी भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है, किसी गलत काम को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए उसने गुस्से से सब कुछ बोल दिया, जिसे सुनकर लैन शिचान को इतना गुस्सा आया ना, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो हमेशा शांत रहने वाले इंसान आज खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। वो गए और जाके एकदम जैक को पीट पीट कर उसका भर्ता बना दिया। उसके नाक से मुंह से ब्लड निकल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। हाँ, जैक ने और जिन जुशान ने गलत किया है, बहुत गलत किया है, इसे उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लैन शिचान उसे क्यों मार रहा है। वांगजी अपने ब्रदर को नहीं रोक रहा था। आखिर में जियांग चंग आगे गया और लैन शिचान को रोक दिया। जियांग चंग को देखकर लैन शिचान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे जिद की वजह से ये सब हो रहा है। जियांग चंग घबरा गया। लैन शिचान को उसने कभी भी इतने गुस्से से नहीं देखा। लैन शिचान ने जियांग चंग का हाथ पकड़ा और सबके सामने ले आते हुए कहा, ये मेरा ओमेगा है, इसके तरफ आंख उठाकर भी देखा ना किसी ने तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मुझे अपने ओमेगा पर किसी और अल्फा का नज़र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यानली
जियांग चेंग के लिए खुश है। उसे थोड़ा थोड़ा तो पता था, लेकिन आज वो कन्फर्म हो गया कि वो अल्फा जिसे जियांग चेंग ने मार्क किया है वो लान शिचान ही है। जियांग चेंग जो रो पड़ा था उसे खुशी हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था इस कन्फेशन से। दूसरी तरफ जियांग फैमिली हैरान थी, लेकिन वही मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश है, उन्हें तो बिना चाहे आसमान का चांद मिल गया है। वो जियांग चेंग को बाकी सारे अल्फाज से मिलने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लान शिचान ऑलरेडी कमिटेड है, क्योंकि लान शिचान के गले पर वो बाइट मार्क है, ओमेगा बाइट मार्क है। इसीलिए उन्होंने कभी भी जियांग चेंग को लान शिचान से मिलने के लिए फोर्स नहीं किया, बट उन्हें पता ही नहीं था कि जियांग चेंग ही वो ओमेगा है। वो तो इतनी खुश हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बेटी के बारे में चिंता आया। वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। जिन फैमिली सिचुएशन को हैंडल करना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत यानली के पास आए और यानली को समझाने लगी। यानली ने अपना हाथ मिसेस जिन के हाथ से हटा लिया और कहा, नहीं, मैं आपके घटिया बेटे से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, वो एक नंबर का घटिया है, अनलिमिटेड रिलेशनशिप में रहता है। मेरे साथ एंगेजमेंट होने के बाद भी मैंने उसे कई बार अलग अलग ओमेगास के साथ बहुत ही इंटीमेट तरीके से देखा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मैंने अपनी मॉम को भी दिया था और उन्हें साफ साफ कहा भी था कि मैं ये शादी नहीं करने वाला। मैडम यू बिल्कुल नहीं चाहती कि जिन फैमिली के साथ उनका रिश्ता ख़राब हो, इसलिए वो आगे आए और यानली को रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस बार वेंचिंग आगे आई और यानली को कवर कर लिया। वेंचिंग ने कहा, यानली से दूर रहिए मिसेस जियांग, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप एक ओमेगा हो और यानली की मदर हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैडम यू को, क्या हो रहा है। यानली जो बहुत ही शांति महसूस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस कर रहा था। वेंचिंग ने यानली का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने यानली के सामने घुटनों में बैठ गई। यानली अपने आंसू भरे आंखों से वेंचिंग को देख रही थी। वेंचिंग ने यानली की तरफ देखते हुए कहा, यानली विल यू मैरी मी, प्लीज़ मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। यानली ने तुरंत हाँ बोल दिया, उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, ना किसी की तरफ देखा, उसने हाँ बोल दिया। वेंचिंग उठ गई और यानली को हग कर लिया। मैडम यू हैरानी से अपने बच्चों को देख रहे थे, उनके दोनों बच्चों ने अपने अपने पार्टनर्स को चूज़ कर लिया है और अब उन्हें कुछ बोलने का मौका है मिल ही नहीं रहा था और ना उनके पास बोलने का कोई मुँह था। जो जिन जिशान ने किया उसके बाद तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वो चुप हो गई। सभी खुशी से झूम उठे थे। जिन जिशान और जैक को कुछ गार्ड्स ने वहाँ से लेकर चले गए। उनके फैमिली को ये इन्फॉर्म किया गया कि उन दोनों को ही पनिश किया जाएगा पहले और फिर उन्हें घर पहुँचा दिया जाएगा। दोनों फैमिलीज कुछ नहीं कह पाए। दूसरी तरफ सब खुश हो रहे थे, उसी वक्त किसी ने ज़ोर से चिल्लाया। सबका ध्यान एंट्री गेट की तरफ गया जहाँ पर वीन खड़ा था। उसके एक हाथ को मिस्टर वी ने पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ को निये हुए सांग का चेहरा एकदम लाल हो गया था गुस्से से। वो गुस्से से सॉन्ग लाइन को घूरे जा रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। क्या लगता है विंग ने चिल्लाया क्यों और निये हुए सांग वो अब सॉन्ग लाइन के साथ करेगा क्या। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।